हेलो फ्रेंड्स, तो स्विमिंग का डे वन में फर्स्ट डे में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? ये गॉगल्स रहते हैं और ये कैप रहती है। अगर आपने ये गॉगल्स और कैप आपको पता नहीं कहाँ से खरीदनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इधर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे बैग आ रहा होगा यहाँ पे तो उसमें कैप, गॉगल्स, एयर प्लग, नोज प्लग, ये सारा कुछ आ रहा होगा। आप देख रहे हैं ना, जो भी आपको अच्छा लगता है, नहीं तो आप ओवरऑल स्विमिंग पूल पर भी मिल जाता है, नहीं तो अगर आप जहाँ से खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हो, ठीक है। तो गोगल्स खरीदते समय जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि आप हमेशा ब्लू गोगल्स खरीदो। बेनिफिट ब्लू गोगल्स का क्या रहता है कि पानी ब्लू होता है, डैज ऑलमोस्ट 90% तक ब्लू होती है, जो कि अच्छे से दिखती है। अगर आप ब्लैक गोगल्स खरीदते हो ना, तो सीन क्या रहता है कि ब्लैक गोगल्स में, जैसे ये इनडोर पूल है, तो इसमें और काला काला दिखेगा आपको, ओपन में तो चल जाएगा। अगर आप धूप में एक दो बजे स्विमिंग करते हो तो आप ब्लैक गोगल्स लो, या शेड वाला लो जो अपना, और अदर शेड्स आते हैं, पर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है कि आप ब्लू गोगल्स लो, सबसे बेस्ट रहता है। चाहे आप रात को लगाओ, चाहे दिन में लगाओ, तो बेस्ट है, ठीक है। बाकी गोगल्स में लेते समय ध्यान रखना कि ये फुली रबड़ हो, अच्छे से सॉफ्ट बने, ठीक है। कई जो सस्ते, सबसे सस्ते गोगल्स आते हैं वो 150, 160, 100 इसके बीच में स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो उनकी रबड़ होती है वो पानी के अंदर, क्लोरीन के अंदर जाने के बाद वो हार्ड हो जाती है, कुछ टाइम बाद फिर जहाँ निशान पड़ता है। ये वाले गोगल्स है, इनका सीधा उल्टा नहीं है, ठीक है। ये मतलब कि नॉर्मली गोगल्स है, ये कोई कंपनी ऐसे नहीं है। वैसे स्पीडो के अच्छे होते हैं, ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ये कैप है नॉर्मल, अपनी 100 से 150 और 60 रुपए के बीच में मिल जाती है, 60 रुपए 70 रुपए से स्टार्ट होते हैं, ये काफ़ी अच्छी रेट तक मिल जाती है। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये गोगल्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कैप लगाते क्यों है, क्योंकि हमारे जो बाल है वो ड्राई हो जाते हैं क्लोरीन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये गोगल्स आपको जो भी है, गोगल्स लगाना जरूरी क्यों है, क्योंकि आँखें ना बड़ी सूखी सूखी सी हो जाती हैं और लाल लाल सी हो जाती है, और आँखों के बाद में खुजली होने लग जाती है, तो इसलिए गोगल्स लगाओ। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी पर लगाओ। एक बार याद रखना, जब आप गोगल्स लगाते हो या परचेज करते हो ना, अपनी आंखों पे ऐसे लगा के देखो, ये ऐसे सेट करो, देखो मेरे सेट हो गए, वैक्यूम बन गई, इसकी वजह से पानी नहीं अंदर जाएगा, देखो लगा ही नहीं है। तो एक्चुअल में गोगल्स कैसे लगाते हैं, कैप कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कईयों को पता नहीं कैप कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये कैप के अंदर ऐसे हाथ डालने हैं, याद रखना ये वाली लाइन है ना, ये सीधी आनी चाहिए। कैप के अंदर ऐसे हाथ डालने हैं, ठीक है, जो दोनों हाथ मैंने डाल दिए, देखो ऐसे करते, ठीक है। अब इनको मत्थे पे लेके, बालों को पीछे ले, पीछे से आगे लेके आना यहाँ तक, ठीक है। अब कई जो है वो कान के ऊपर रखते हैं, कई कान के ऊपर नहीं रखते, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कान के ऊपर मत ही रखो और ना ही प्लग लगाओ, ठीक है। प्लग लगाओगे तो कुछ टाइम बाद गिर जाते हैं, और जो आप कान के ऊपर नहीं रखोगे कुछ टाइम बाद आपको दिक्कत दूर हो जाएगी, नहीं पानी कानों में नहीं जाएगा। और कैप रहती हैं, गोगल्स रहते हैं, जो गोगल्स आप ऐसे करके लगा सकते हो, ये ऐसे, ठीक है। अब ये अगर आपने टाइट करने तो टाइट कर सकते हो, पर ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, निशान पड़ेगा। अब ये मेरे बिल्कुल सेट गोगल्स हैं, और अपने गोगल्स बार बार किसी को देने नहीं है, क्योंकि जब दर्द होगा सिर का साइज सबका आगे पीछे होता है, तो गोगल्स आपके लूज़ हो सकते हैं। ये ना ज़्यादा टाइट होने चाहिए, ना ज़्यादा लूज़ होने चाहिए, ठीक है। और इसमें एंटी फोग गोगल्स आते हैं, ठीक है, जो मैंने लिंक दे रखे वो सारे एंटी फोग है, मतलब उसमें फोग नहीं जमती, कुछ टाइम बाद जमने लग जाते हैं, जैसे 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने। और इसको जब स्विमिंग करते हो ना, गोगल्स में ओस आ जाती है, तो इसको ऐसे करके पानी में फेर के आप साफ करके बार बार इसको लगाते रहना। बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका ये क्लीन होता रहेगा। गोगल्स और कैप लगानी आ गई, ठीक है। एक कॉस्ट्यूम होता है ये वाला, तो इजीली जेंट्स के लिए तो यही चीज़ मेन हो जाता है। अब आ जाते हैं कि फीमेल में गोगल्स और कैप सबके लिए जरूरी है, ठीक है। जो फीमेल है वो कैप थोड़ी बड़ी लेना, क्योंकि उनका जो बाल होते हैं, जुड़ा करना होता है, उनको खोल के ऐसे जुड़ा करके हम कैप डालनी आसानी है। कैप डालनी मैंने सिखा दी, समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया कैप और गोगल्स क्यों जरूरी है। और कानों में जिनके पानी जाता है, काफ़ी जने कमेंट करते हैं कानों में पानी चला जाता है, ऐसे करके आप ऐसे या ऐसे करोगे, अगर इस कान में गया तो पानी बाहर आ जाएगा। एक ये इनकी टिप्स होती है। दूसरी होती है कि आप नाक को बंद करके ज़ोर से प्रेशर मारना है, आपने ऐसे हवा मारनी है, कानों में से आपके थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकला, इस ऐसे मार सकते हो, ऐसे अगर इधर गया इधर से, और आप कानों को ज़ोर से ऐसे दबाओगे, फिर ऐसे करके छोड़ देना, तो भी पानी बाहर निकल जाता है। प्रेस करके अच्छे से छोड़ोगे तब भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। और कानों में इतना ज़्यादा देर पानी रहता नहीं है, तो हमें हमारा जो कान का पर्दा होता है वो गीला हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि पानी है, ठीक है। तो ये कैप और गोगल्स की टिप्स आ गई। ये फर्स्ट डे ये चीज़ ज़रूरी है, कैप डालनी है, गूगल्स डालने, गूगल डाल जब आप डाल रहे हो इसके अंदर पानी क्या रहे तो गलत है, ठीक है, कहीं ना कहीं गूगल्स गलत है। तो ये बात याद रखना, गूगल्स लगाने के बाद गूगल्स के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, हल्का सा पानी है, जो कि आपका बेनिफिट है, जब आप ऐसे हिलाओगे वो अपने आप वो करते हैं, ठीक। तो आज का ये सेशन यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं पानी में, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। पानी में बिगिनर्स की टिप्स स्टार्ट करते हैं।
तो आज के लिए इतना काफी है। बाय फ्रेंड्स, एक चीज और बता दूं, ये लाड़ा वाला स्विमिंग पूल है, पूल लोकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा, अगर आप लोकल हो तो आप आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।